स्वागत है आपका। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम इंडिया की जर्सी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, और बदली बदली सी टीम इंडिया की जर्सी जो है वो दिखाई देगी। तो क्या है दोस्तों बदलाव, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम इंडिया अब वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली है, जिसकी शुरुआत 3 अगस्त को होगी। और इस वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद टीम इंडिया की जर्सी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों बदलाव की, क्या बदलाव टीम इंडिया की जर्सी में हमें देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें कि टीम इंडिया की जर्सी का जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड नेम जो कि इस समय हम ओप्पो देखते हैं वो यहाँ पर जल्द जो है टीम इंडिया की जर्सी से हटने वाला है, और एक नया ब्रांड नेम जो है वो हमें दिखाई देने वाला है। और ये चेंज जो है वो यहाँ पर सितंबर में होगा, जब साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो इंडिया के दौरे पे आएगी, तो यहाँ पर हमें ब्रांड नेम चेंज होता हुआ दिखाई देगा और टीम इंडिया को जो है एक नया ब्रांड नेम मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में जो है ओप्पो ने ब्रांड नेम को जो है बिड कर जीता था, जहां पर करीब 1,079 करोड़ रुपए में जो है इस बिडिंग को जीता था यहां पर ओप्पो की टीम ने, और अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ओप्पो का कि वो टीम इंडिया की जर्सी में एज अ ब्रांड नेम जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है वो ये कि ओप्पो जो है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाली है, खत्म कर चुकी है। और यहाँ पर ओप्पो का जो कहना है वो ये कि वो ब्रांड नेम के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे जो है बीसीसीआई को दे रही है, और इसीलिए ओप्पो ने यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को हटा लिया है, और अब ओप्पो जो है हमें एज अ ब्रांड नेम टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ पर वेस्ट इंडीज दौरे के बाद होगा, यानी कि वेस्ट इंडीज दौरे में हमें अभी भी ओप्पो ही दिखाई देगा, उसके बाद जो है ओप्पो यहाँ पर हटने वाला है टीम इंडिया की जर्सी से। बात करते हैं दोस्तों नए ब्रांड नेम की, कौन है नया ब्रांड नेम, तो आपको बता दें कि बायजूस जो है वो यहाँ पर टीम इंडिया का नया ब्रांड नेम होने वाला है। बायजूस की अगर बात करें तो ये एक लर्निंग ऐप है, आपने कई सारे एड्स जो है बायजूस के देखे होंगे, और बायजूस जो है वो नया ब्रांड नेम टीम इंडिया की जर्सी का बनने वाला है, और सितंबर से बायजूस जो है एज अ ब्रांड नेम टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ा बदलाव यहाँ पर टीम इंडिया की जर्सी में होने वाला है सितंबर से, जब साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आएगी उस दौरे से जो है यहाँ पर हमें एक नई टीम इंडिया की जर्सी में लोगो दिखाई देगा, जो कि होगा बायजूस का, क्योंकि ओप्पो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर हो चुका है खत्म। पेमेंट की अगर बात करें तो सेम पेमेंट यहाँ पर बायजूस भी देने वाली है जो कि ओप्पो दे रही थी बीसीसीआई को, तो यहाँ पर बीसीसीआई का कोई भी नुकसान नहीं है, बस जर्सी में जो लोगो है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बायजूस जो है वो टीम इंडिया का सही ब्रांड नेम है या फिर ओप्पो को ही रहना चाहिए था? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।